तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण चंदा फिर से आ गया हूँ कार जेडी की नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आज सैटरडे है और हम एवरी सैटरडे बात करते हैं इंडियन कार मार्केट अपडेट्स के बारे में, जो कुछ भी हुआ इस वीक इंडियन कार मार्केट के अंदर सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, कि कौन सी गाड़ी का लॉन्च हुआ है, कौन सी गाड़ी की रीबैचिंग लॉन्च हुई है और कौन सी गाड़ी आने वाली है इंडियन कार मार्केट के अंदर, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी की मोस्ट अवेटेड कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसने बहुत ज़्यादा इंतजार कराया है इंडियन कार मार्केट में लॉन्च होने के लिए। बाहर की कंट्रीज में ये गाड़ी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ, इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ। मुझे पता है कई लोग इस बात पर मजाक उड़ाएंगे, मारुति की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल जीरो है यार इंडियन कार मार्केट में, बट कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसकी बिल्ड क्वालिटी यार थोड़ी सी बेटर है। और जहां तक मुझे लगता है, मारुति ने स्विफ्ट पे भी बहुत काम किया होगा इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह इनहेंस करने के लिए। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इस गाड़ी की जो जापान में और यूके में इंट्रोड्यूस हुई है, उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज 1.2 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 82 PS की मैक्स पावर एंड 108 Nm का टॉर्क। उसके अलावा आपको एक हायर टॉर्क कन्वर्टर भी देखने को मिल सकता है, एक इंजन ऑप्शन ऐसा टर्बो पावर जेट या बूस्ट जेट करके, जिसमें आपको हायर पावर देखने को मिलेगी और हायर टॉर्क वगैरह देखने को मिलेगा। उसका भी कन्फर्म नहीं है, बट ये कंफर्म है कि आपको एक नया इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा जो टर्बो में होगा। इसके अलावा बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे। हो सकता है CVT ट्रांसमिशन भी आ जाए इस गाड़ी के अंदर, बाकी ये गाड़ी 2-व्हील ड्राइव तो रहती ही है। और कहीं ना कहीं यूके साइड में या जापान साइड में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आया है इस गाड़ी के अंदर, इंडिया में नहीं आएगा। एडास भी मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में आए इंडियन कार मार्केट के अंदर, बट दूसरी कंट्रीज में इस गाड़ी में एडास भी आ रहा है। और इसकी प्राइस रेंज भी यार, मतलब मिड सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सही है, ऐसे नॉर्मल मिड रेंज जो होती है, ना ज़्यादा लोअर है ना ज़्यादा हाई है, मतलब सही है, एक लेवल पे है। अप्रोक्स आपको 8 से 13-14 लाख तक के आसपास देखने को मिलेगी। अगर ये एडास वगैरह इंक्लूड करें तो हसियत 15 लाख तक जा सकती है ये गाड़ी, बट 15 लाख में ये बेटर चॉइस मेरे को तो नहीं लगता होगी किसी की, क्योंकि 15 लाख में ऑलरेडी हमें बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती है यार। सिटी आ जाती है एडास के साथ, और वेन्यू में थोड़े पैसे और डालोगे वेन्यू भी आ जाएगी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाती है, सोनेट आ जाती है यार इतने में तो। खैर, अकॉर्डिंग टू लीक्स इसमें आपको 9 इंचज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा फेस लिफ्ट में, और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड रहने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए तो बस इतनी ही न्यूज़ आई है स्विफ्ट को लेकर, बाकी इस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पे भी देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आती है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा ने अपनी फ्रॉन्क्स को लॉन्च कर दिया है इंडियन कार मार्केट के अंदर, जिसमें कुछ भी नहीं, आफ्टर मार्केट ग्रिल लग रही है कि हाँ फ्रंट में आफ्टर मार्केट ग्रिल लगा दी हो फ्रॉन्क्स पे। हल्का सा आपको इंडिकेटर, टर्निंग इंडिकेटर्स पे फर्क देखने को मिलेगा, इसके DRLs पे फर्क देखने को मिलेगा। उसके अलावा अलॉय व्हील्स की शेप चेंज है, एंड रेयर में आएंगे तो रेयर का टेल गेट सिमिलर है, पर टेल लैंप्स जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे। मेरे को ये एक्सपेक्ट था कि इस गाड़ी के जो लुक्स है ना कहीं हाई राइडर से मिलेंगे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, हाई राइडर से पता नहीं क्यों नहीं मिला है। हाई राइडर के साथ अगर थोड़ा सा मिक्सचर रहता है ना, जैसे ग्रैंड विटारा और फ्रॉन्क्स है, वैसे ही मुझे लगा कि इस गाड़ी का फ्रंट भी कहीं ना कहीं हाई राइडर से मिलता जुलता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह भी आ गई है, 7.74 लैक्स एक्सशोरूम से शुरू है ये गाड़ी, जहाँ पे आपको 23,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे फ्रॉन्क से। ये आप बताओ कि वर्थ है या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में। टोयोटा का साथ है, कंपनी भी है, पर यार मारुति भी पीछे नहीं है, और दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट क्या पूरी ही सिमिलर है, सेम है यार, सिमिलर भी क्यों बोलूँ मैं, सेम है बिल्कुल। खैर, आपका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आती है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा की भी मोस्ट अवेटेड कार XUV300 या 300, बट अब जो भी कहो नाम इसका चेंज हो गया, XUV3XO ऐसा सा नाम इसका रखा है, मतलब एक एक्सप्रेशन देने की कोशिश की है महिंद्रा ने इसके नाम के अंदर, कि हाँ नाम बोलते के साथ ही लगे कि हाँ वाओ,
क्या गाड़ी है, ऐसा सा एक्सप्रेशन है हर किसी के मुंह से, यही महिंद्रा चाहता है मेरे ख्याल से। तो इसी वजह से इसका नाम चेंज करके एक्सयूवी X3O, 3XO, सॉरी 3XO। और इस गाड़ी की लॉन्च डेट, मतलब लॉन्च डेट नहीं, ग्लोबली डेब्यूट डेट अनाउंस कर दी गई है। 29 अप्रैल को ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। कैसे इसके फीचर्स रहेंगे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च की जाएगी, ये कंफर्म है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आती है स्कोडा की तरफ से। स्कोडा सुपर्ब री एंटर कर चुकी है ये गाड़ी इंडियन कार मार्केट के अंदर। और इस गाड़ी को यार इतना ज़्यादा प्यार मिला है ना सिडान सेगमेंट में, प्रीमियम सिडान सेगमेंट में। मतलब इतने सारे फीचर्स, इतनी प्रीमियम क्लास, इतनी कंफर्टेबल, मतलब क्या ही कहो, एकदम बढ़िया फर्स्ट इन क्लास लगती थी मेरे को ये गाड़ी। एज पर द लेटेस्ट अपडेट इस गाड़ी में आपको 2 लीटर का इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। एडास इस गाड़ी में आ जाएगा। काफी प्रीमियम से इस गाड़ी में फीचर्स देखने को मिलेंगे। एंड प्राइसिंग इस गाड़ी की कहीं ना कहीं 50 से 55 लाख के आसपास रखी जाएगी। बट मेरे को लगता है इंडियन कार मार्केट में अब सिडान की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, सिडान को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते इंडियन कार मार्केट के अंदर। क्योंकि अब जो जमाना चल रहा है ना, मतलब अब जो दौर आया है वो एसयूवीज का आया है, जहाँ पे बंदा सोचेगा मैं 50-60 लाख रुपए मेरे को एक गाड़ी पे खर्च करने ही है, तो मैं सिडान क्यों लूँ, मैं एसयूवी क्यों ना लूँ, फॉर्च्यूनर क्यों ना लूँ, या फॉर्च्यूनर के अलावा कोई और प्रीमियम कार है, XUV300 हो गई, थोड़े से कम पैसों में आ जाएगी वो, सफारी हो गई, उसमें भी इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स और इंटीरियर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम सा देखने को मिल जाता है। बट जो बिजनेस क्लास है ना वो फील आती है स्कोडा सुपर्ब के अंदर, वो फील नहीं मिल पाएगी। तो जो बिजनेस क्लास होंगे वो तो एक बारी को इस गाड़ी के साथ चले जाएंगे, बट जो जॉब वाले होंगे हमारे, वो इस गाड़ी के साथ जाने में नहीं रेडी होंगे। उनको यही लगेगा कि अगर मेरे को इतने पैसे खर्च करने ही है कि मैं फॉर्च्यूनर के साथ क्यों ना जाऊँ, या नई वाली एंडेवर आने वाली है उसके पास क्यों ना जाऊँ, या MG के ग्लोस्टर है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ना बंदे के पास अगर उसे 50-60 लाख रुपए एक गाड़ी पे ही खर्च करने हैं, तो उसके दिमाग में यही आएगा कि मैं सिडान क्यों लूँ। खैर आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आती है स्कोडा की तरफ से ही। स्कोडा की जो सफ़ोमीटर SUV है, जिसका टीजर टीजर कह लो या एनिमेटेड पोस्टर कह लो, वो पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है इंडियन कार मार्केट के अंदर। तो उसके ना कुछ स्पाई शॉट आए हैं जिसमें हमें पता लग रहा है कि इस गाड़ी के लुक्स वगैरह कैसे हैं। पहली बात तो ये गाड़ी रेयर में, इसमें कुछ भी नहीं आता, ना इसमें डिफोगर दिया गया, ना इसमें रेयर वाइपर दिया गया, सिर्फ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आ रहा है विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। एंड ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो शार्क फिन एंटीना भी नहीं है, आपको ओल्ड स्कूल टाइप एंटीना देखने को मिलेगा। कनेक्टेड टेल लैम्प्स भी नहीं शो हो रहे इसके कैमोफ्लाज में, आपको छोटे से टेल लैम्प्स देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको पोलो की याद दिलाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है पोलो के टेल लैंप्स उठा के उल्टे कर दिए बस, और उसी में आपको बैक लाइट देखने को मिल जाएगी, रिवर्स लाइट देखने को मिल जाएगी। मतलब पीछे बम्पर पे आपको कुछ भी एलिमेंट वगैरह नहीं शो हो रहा है ऐसे, ना ही स्किड प्लेट शो हो रही है इस कैमोफ्लाज में। फ्रंट की मैं बात करूँ तो फ्रंट में जैसे टीजर में दिखाया गया था वैसे ही आपको DRLs देखने को मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड टर्निंग इंडिकेटर्स। मतलब टर्निंग इंडिकेटर्स आपको DRLs में ही देखने को मिल जाए, सिक्वेंशियल टर्निंग इंडिकेटर नहीं, आके नॉर्मल इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको फॉग लैंप इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलेंगे, सीधा प्रोजेक्टर के हेडलैम्प देखने को मिलेंगे जो कि LED में रहने वाले हैं। मतलब कंप्लीट सेटअप जो है ना इसका लाइटिंग का फ्रंट में, वो LED में ही रहेगा। उसके अलावा एडास का कोई रेडार नहीं है इस गाड़ी के अंदर। स्किड प्लेट पे आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, एंड फ्रंट में भी जो बम्पर के जस्ट ऊपर है वहाँ पे ओवले एरिया में भी आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, मतलब बम्पर में ही लाइट्स के आसपास। और जैसी ग्रिल आपको टीजर में दिखाई गई थी वैसी ही ग्रिल देखने को मिलती है ये लाइनों वाली। बट एक बात कंफर्म हो जाती है इससे कि ये जो पोलो के टेल लैम्प्स ये है ना, इन्होंने या तो ये पोलो बेस्ड SUV है, मतलब स्कोडा गाड़ी ला रहा है, वॉक्सवैगन पीछे रह जाए ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वॉक्सवैगन की भी कहीं ना कहीं कहानी आ रही है उड़ती उड़ती कि पोलो इसने लाना है। मेरे को यही लग रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये पोलो पे ही बेस्ड है, और पोलो आएगी वॉक्सवैगन की तरफ से इसके कॉम्पिटिटर में। या फिर हो सकता है वॉक्सवैगन का भी कोई दूसरा दिमाग चल रहा हो कि कोई नई SUV ला के खड़ी कर दे इसके सामने टक्कर में, और पोलो भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। जर्मन मार्केट है वैसे भी ये जो इंडिया में आया हुआ है, और इंजन वगैरह तो आपको ऑब्वियसली यार बढ़िया देखने को मिलेंगे ही। फिलहाल अभी इंजन ऑप्शंस वगैरह की इतनी ज्यादा कुछ डिटेल्स वगैरह आई नहीं है, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी इंडियन कार मार्केट के अंदर। 360 डिग्री कैमरा नहीं आ रहा इस गाड़ी में जैसा देखने में लग रहा है। और अगर मैं बात करूं इसके टायर्स की, तो आपको 16 इंचेस के टायर देखने को मिलते हैं, और स्टील रिम के ऊपर ये व्हील कवर लगाए गए हैं। कहीं पे भी मेरे को अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं देखने को मिले इस गाड़ी के अंदर। और अगर इसके फ्रंट में भी देखो ना, कहीं पे भी 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा नहीं है। मतलब ये
या तो हो सकता है कि पागल बनाने के लिए बेस वेरिएंट की टेस्टिंग कर रहे हो और बेस वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, कुछ नहीं कह सकते। जर्मन कंपनी वैसे ही है, हो सकता है बेस वेरिएंट को ही टेस्ट कर रही हो, मतलब अगर ये बेस वेरिएंट है तो आई एम लविंग इट। बेस वेरिएंट में इतना सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, और क्या चाहिए। खैर, इस गाड़ी के ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आती है एथर की साइड से। एथर अपने स्कूटर को लेके बहुत ज़्यादा, यार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब वो नहीं चाहता कि वो पीछे रह जाए कहीं से भी। अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, आईक्यूबा जो है टीवीएस की ईवी स्कूटर, उसमें टच स्क्रीन आपको पैनल देखने को मिलेगा, जो उसका स्पीडोमीटर वगैरह है वैसा ही सेम पहले आ चुका है एथर में। बट अब एथर को उससे भी एडवांस करना था, तो उन्होंने ना अपने एक स्कूटर का मतलब अपडेटेड वर्जन कह लो या कुछ भी कह लो, रिस्टा नाम से निकालना है, जो कि लॉन्च होने वाला है। लॉन्च हो भी चुका होगा शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आज के दिन ही सैटरडे को 6 अप्रैल ये स्कूटर ईवी लॉन्च होने वाला है, जिसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पे देखने को मिल जाएगी, और इसका रिव्यू भी बहुत जल्द आ जाएगा चैनल पे। फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही सब कुछ हुआ है लास्ट वीक इंडियन कार मार्केट के अंदर। आपका क्या कहना है कि कौन सी गाड़ी आपको बढ़िया लगी, किस गाड़ी का आप वेट करना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।